हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जिसको हम कहते हैं यूजअली यूटीआई तो यूटीआई को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि उसके रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन को हम कैसे क्योर करें तो वो होने के जो रीजंस कि जिसको हम कहते हैं कोजिस उसके अलावा जो सिम्टम्स एंड साइन कि जो साइन एंड सिम्टम्स कहे जाते हैं उसके लिए कौन से मेडिकेशन वन हम यूज़ कर सकते हैं तो वो सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में ऑफ़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक कि जिसके अंदर हमारे यूरिनरी ट्रैक की जो एनाटॉमी हम देखें तो उसके अलग अलग पार्ट्स के कि लाइक किडनी है यूरेटर होता है यहाँ पे ब्लेडर होता है एंड नीचे की ओर यूरेथ्रा तो जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो यूजली जो है वो इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लामेशन कि यहाँ पे जैसे ब्लेडर का इन्फ्लेमेशन यहाँ पे दिखाया है उस तरह से किडनी का भी इन्फ्लामेशन हो सकता है उसके अंदर रहे नेफ्रॉन्स का यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है ब्लेडर के अंदर ऑल्सो इन यूरेथ्रा। तो ये सभी जो है वो अफेक्ट होते हैं अलग अलग तौर पे, अलग अलग टाइप के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर तो सभी को डिटेल में समझते हैं ये वीडियो लेक्चर में और उसके लिए जो हम मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं वो सभी को हम स्टडी करेंगे सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बीफामार्मास्यूटिक्स बी एच डी परस्यूइंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स परस्यूइंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मरऑक्स ने अपने एक लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हो जिसके कारण जो सिल्वर बटन की जो यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड कहा जाता है उसका हमें सम्मान मिला है यूट्यूब के द्वारा तो आप सभी के बहुत बहुत आभारी है हम तो अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से फार्मारॉक्स की एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है तो जरूर से लिंक चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तो जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस करने को मिल जाएंगे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज यू इज अ यूटीआई ये जो वर्ड है वो समझना जरूरी है कि यूटीआई तो इट इज़ ए इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम कोई भी पार्ट कि जो पूरा यूरिनरी सिस्टम जो बनता है उसके किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है इन्फेक्शन और वो जो पार्ट्स हम देखें तो देट आर द किडनीस सेकंड इज़ ब्लेडर थर्ड इज़ यूरेटर एंड फोर्थ इज द यूरेथ्रा तो यहाँ पर आप देखिए नॉर्मली ये किडनी का पोर्सन हेयर दैट इज़ ए यूरेटर दिस इज़ द ब्लेडर एंड हेयर दैट इज़ ए यूरेथ्रा तो ये वाला जो है यूरिनरी ट्रैक हम कहे या फिर यूरिनरी सिस्टम हम कहे तो ये वाला नॉर्मल पोर्सन है कि जो नॉर्मल हम कह सकते हैं हमारा आ, किडनी का पोर्सन या फिर यूरेटर ब्लेडर वो सब कंबाइन होके नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम अब समझो कि किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण बिकॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूजली होता है किसी भी अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया के कारण या फिर कई बार फंगल के कारण भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है तो जब इन्फेक्शन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो ब्लेडर था ये नॉर्मल उसका कलर देख सकते हैं और जब उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो ये वाला ब्लेडर का ये जो पोर्शन है पूरा आप देख सकते हैं वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिलता है ये वाला जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है कि जब आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है और उसके कारण वहाँ पे स्पेशली इन्फ्लेमेशन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वहाँ पे फंगस के कारण फंगल इन्फेक्शन जो है वो होता है तो एपिडेमियोलॉजी समझे ये डिसीज की तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइक्रोबियल डिसीज तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये डिसीज जो है वो कौन से रिलेटेड है किसके कारण यूजली होती है तो वो है माइक्रोबियल्स के कारण एंड मोस्ट कॉमन है एन एनकाउंटर इन मेडिकल प्रैक्टिस अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एजिस अगर आप उसकी प्रॉपर केस स्टडीज देखें अलग अलग तो सभी एजिस के जो पेशेंट होते हैं उनको ये डिसीज जो है वो अफेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड यूटीआईज प्रिवेलेंस वॉज एस्टिमेटेड टू अराउंड वन फिफ्टी मिलियन पर्सन्स पर अप्रोक्सीमेटली देखिए वर्ल्ड वाइड जो एवरेज हमें स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग टू हर साल अराउंड 150 फिफ्टी मिलियंस जितने लोग ये डिसीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं कि जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन कि यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्सन है वो आपको किसी भी तरह से हो सकता है वो हम रीज़न्स आगे जानेंगे और एज हम देखें तो बिटवीन द वन ईयर एंड फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज यू टी आई एंड रिकरेंट यूटीआई आई आर प्रीडमिनेटली डिसीज ऑफ फीमेल्स कि फीमेल्स को भी ये अफेक्ट करता है ज़्यादातर और एज ग्रुप हम देखें तो वन ईयर से लेकर फिफ्टी ईयर्स की एज तक के जो फीमेल्स को भी ये जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कि जो हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन तो यहाँ पे किडनी का पोर्शन है कि समझो कि फीमेल्स के अंदर हम देखें कि तो किडनी यहाँ पे ये यूरेटर फिर ये ब्लेडर और ये यूरेथ्रा तो ये है वजाइना का पोर्शन और ये रैक्टम का पोर्शन। तो जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेसन है वो समझो कि ये वजाइना के रीजन से होकर यूरेथ्रा के एरिया में फैल सकता है बिकॉज दोनों के बीच में जो स्पेस हम कहे तो बहुत ही कम स्पेस है काफ़ी नज़दीक है एक दूसरे के जिसके कारण समझे कि वज़ाइनल इन्फेक्शन जो आपको कई बार होता है तो उसके कारण आगे यूरिनरी ट्रैक का भी इन्फेक्शन हो सकता है कि फिर उससे आपका यूरिनरी ट्रैक जो है पूरा के यूरेथ्रा फिर उससे ऊपर आया ब्लेडर फिर यूरेटर और वो इन्फेक्सन फिर किडनी और उनके जो पार्ट्स है कि अलग अलग किडनीज के पार्ट और उसका फंक्शनल यूनिट की जो हम कहते हैं नेफ्रॉन वहाँ तक भी ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है तो कोजेस जानते हैं हम तो समझिए कि ड्यू टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो ये है सबसे पहला उसका कोज हम कहें या फिर उसका हम कह सकते हैं रीजन या फिर रिस्क फैक्टर कि आपको यूरिनरी ट्रैक होने ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क कब है उसके रीजन्स क्या है तो प्राइमरी कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के कारण माइक्रोबियल इंफेक्शंस के कारण सेकंड रीजन बनता है कि यूजली यूटीआईज़ आर कोज बाय बैक्टीरिया फ्रॉम स्टूल और यूरिन स्टूल और यूरिन एंटरिंग इनटू द यूरिनरी ट्रैक तो जो हमारा स्टूल होता है या फिर यूरिन उसके थ्रू ये जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर एंट्री ले सकते हैं द बैक्टीरिया एंटर थ्रू द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी कि जो यूरिन जो है हमारे जो फॉर्म होता है किडनी के अंदर वो आगे जो यूरेथ्रा होता है वो उसके थ्रू कि ये आप देख सकते हैं यूरेटर ब्लेडर और फिर आगे यूरेथ्रा तो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो हमारी बॉडी में से जो है वो बाहर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है तो बैक्टीरिया वही ट्रैक से आपके यूरिनरी ट्रैक में भी एंटर हो सकते कि वही ट्यूब को वो यूज़ करेंगे कि ये वाला जो यूरेथ्रा का जो पोर्शन है कि अभी ये लाइन देखिए कि यूरेथ्रा से समझो कि एंटर हुए तो आगे ट्रैवल करके इस तरह से ब्लेडर में जा सकते हैं ब्लेडर में से ये लेफ्ट साइड का यूरेटर या फिर राइट साइड के यूरेटर में भी एंट्री करके दोनों किडनीज के अंदर भी इन्फेक्शन करते हैं या फिर कोई पहले कोई एट पार्ट में होता है फिर उससे कारण दोनों किडनीज में भी धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन फैल सकता है नेक्स्ट है कि वुमेन हैव ए सॉर्टन यूरेथ्रा देन मैन कि मैंस के कंपेयर में वुमेन्स के अंदर यूरेथ्रा जो है वो काफ़ी सॉर्ट होता है जिसके कारण उनको ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है दिस मीन्स बैक्टीरिया आर मोर लाइकली टू रीच द ब्लेडर और किडनी एंड कोजैन इन्फेक्शन कॉल द यूटीआई कि जिसके कारण मेंस uh, के कंपेयर में वुमेन्स के अंदर बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी जल्दी से अंदर uh, एंटर हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक के अंदर बिकॉज़ यूरेथ्रा जो है वो काफ़ी शॉर्टर है कंपेयर टू द मेन इन वुमेन और जिसके कारण वो जल्दी से ब्लेडर uh, और किडनी की ओर पहुंच सकते हैं और उसके कारण वो वहाँ पे अपना इन्फेक्शन करवा सकते हैं और यूजली क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस होता है यूरेटर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है किडनी के अंदर होता है इवन समझो कि मेल्स के अंदर देखें तो प्रोस्टेट भी उससे डैमेज होता है तो ये सब अलग अलग कोजेज बनते हैं एंड रिस्क फैक्टर बनते हैं उसके अलावा रिजेंट यूज ऑफ डायाफ्राम विथ स्पर्मिसाइड कि जो बर्थ कंट्रोल की एक टेक्निक है हम कहते हैं डायफ्राम तो वो समझो कि आपने यूज़ किया है विथ स्पर्मिसाइड्स तो वो भी एक रीज़न बनता है आपके लिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरे देखें तो किडनी स्टोन है फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स डायबिटीज़ से आपको डायरिया हुआ है और डायरिया के दौरान भी एक प्रॉपर हाइजीन कंडीशन आप मेंटेन नहीं करते प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते तो भी आपको यूटीआई हो सकता है डायरिया के कारण कॉन्स्टिपेशन के कारण बर्थ कंट्रोल पील्स अनहाइजेनिक मीट क्या आप ऐसा मीट यूज़ करते हैं कि जो काफ़ी अनहाइजेनिक तरीके से बना है एज वेल एज ऐसे फूड कि जो काफ़ी अनहाइजेनिक तरीके से बने हैं एंड नॉट पीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कि आप यूरिनेसन के लिए जल्दी नहीं जाते काफ़ी देर तक आपका यूरिन जो है वो आप रोक कर रखते हैं और यूरिनेशन आप अच्छे से नहीं करते तो उसके कारण भी हो सकता है फिर फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके बाद समझो कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आप प्रॉपर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से वॉश नहीं करते प्रॉपर वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो भी आपको इसका इन्फेक्शन हो सकता है एज वेल एज अ न्यू सेक्सुअल पार्टनर्स एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद दैम मेकोज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अ इन द प्रीवियस ट्वेल्व मंथ इवन समझो कि आपको प्रीवियसली यू टी आई रहा था तो फिर से आपको यू टी आई होने का जो है वो रिस्क होता है देन मैटरनल हिस्ट्री ऑफ यू टी आई एज वेल एज डायबिटीज पुअर हाइजीन एंड इंडवेलिंग uh, कैथरटर कि जब आप देखें कि कैथरटर uh, कई बार हम यूज़ करते हैं कि कैथरटर से जो आप देखते हैं कि जो यूरिनेशन कलेक्ट करने के लिए समझो कि प्रॉपर आपका कोई सर्जरी हुई है किडनी रिलेटेड तो उस वक्त uh, या फिर यूरेटर यूरेथरा रिलेटेड कोई uh, आपकी सर्जरी की है तो उस वक्त कैथरटर के थ्रू हम पाउच लगाते हैं कि जिसके अंदर यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है तो वो कैथरटर के कारण भी कई बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है तो ये सब रीजन से रिस्क फैक्टर है कि ये तो खास तो जितने आप हाइजीन रहेंगे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखेंगे पर्सनल हाइजीन इवन समझो कि आप पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपको कि समझो कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं तो आपको ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए कि जहाँ पे आपको इस टाइप के माइक्रोबियल कॉन्टामिनेसन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये है कोजिज़ एंड रिस्क फैक्टर्स सिम्टम्स हम देखें तो पेन और बर्निंग वाइल यूरिनेटिंग कि जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी पेन होता है एज वेल एज वहाँ पे बर्निंग होता है कि यूरिन आपका जब एसिडिक हो जाता है इस टाइप के इन्फेक्शंस के कारण तो आपको ऑब्वियसली पेन होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है फिर देखें तो फीलिंग द नीड टू यूरिनेट डिस्पाइट हैविंग ए एम टी ब्लेडर क्या आपको ऐसा फील होगा कि आप यूरिनेशन के लिए जाए डिस्पाइट हैविंग ए एम टी ब्लीडर ब्लेडर आपका एमटी है फिर भी आपको ऐसा लगे कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा फिर कई बार यूरिन के अंदर ब्लड भी आता है कि जो हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ए ब्लडी यूरिन कि ये एक सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन्स का प्रेशर और क्रैम्पिंग इन द ग्रोइंग और लोअर एपडोमिन कैबडोमिन का जो पोर्सन है वहाँ पर आपको कई बार होता है पेन तो यहाँ पे देखिए कि पेनफुल यूरिनेशन होता है कई बार कि यूरिनेशन के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं ये इमोजिस के अकॉर्डिंग टू पेन हो सकता है यूरिनरी अर्जेंसी कि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और अर्जेंसी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन स्ट्रॉन्ग यूरिन स्मेल यूरिन की स्मेल काफ़ी स्ट्रेंग हो जाती है पैल्विक पेन होता है फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण भी ये हो सकता है आपको या फिर ये सिम्टम भी देखने को मिलते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है या फिर एसटीडी के कारण आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो फिर वाइप फ्रॉम फ्रॉन्ट टू बैक उसके अलावा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सिस्टोस्कोपी एंड वॉश जेनिटल बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ये नीचे जो दिखाए हैं वो उसके आपको प्रिकॉशंस दिखे हैं कि आप जो है वो प्रॉपर एक पानी लीजिए एक्सेसिव अमाउंट में वाटर यूज़ करिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सिस्टोस्कोपी की जाती है डायग्नोसिस के लिए एंड आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से उसको ज़रूर से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए क्लीन कर लेना चाहिए आफ्टर द इंटरकोर्स तो ये सबसे आप बच सकते हैं और उसके सिम्टम्स देखिए द सिम्टम्स ऑफ किडनी इन्फेक्शंस कैन इंक्लूड फीवर की जब आपको ये इन्फेक्शंस होते हैं तो किसके कारण आपको फीवर हो सकता है देन चिल्स ठंड लगती है आपको नेक्स्ट सिम्टम दैट इज लोअर बैक पेन और पेन इन द साइड ऑफ योर बैक बैक पेन या फिर आपके साइड बैक के आसपास पेन होता है एंड नोजिया वामिटिंग नोजिया और वॉमिटिंग तो यहां पे देखिए कि अनकंट्रोलेबल फ्रिक्वेंट यूरिनेट बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग फीवर होता है पेशेंट को पेन इन लोअर पेल्विस और एब्डोमिन नोजिया वामिटिंग होता है स्ट्रांग स्मेलिंग ऑफ यूरिने ब्लड इन यूरिन तो ये सब है यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के सिम्टम्स के जिसको आपको अच्छे से याद रखना है आगे सीखते हैं अलग अलग टाइप्स के कौन से कौन से अलग अलग टाइप के यूजली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं तो सबसे पहले तो सिस्टाइसिस की जो अफेक्ट करता है आपके ब्लेडर को कि जब ब्लेडर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल ब्लेडर सरफेस और जब उसका प्रॉपर इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण ब्लेडर इन्फ्लेम बाय इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस कि जो सिस्टाइटिस आपको होता है कि जो ब्लेडर का एक इन्फ्लामेशन है उसके रिलेटेड इन्फेक्शन है तो यू माइट फील लाइक यू नीड टू यूरिन अ लॉट और इट माइट हर्ट व्हेन यू गो फॉर यूरिनेशन आपको ऐसा फील होगा कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है और आप समझे कि यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही पेन होता है यू माइट ऑल्सो हैव लोअर बेली पेन एंड क्लाउडी और ब्लडी यूरिन जब इन्फ्लेसन होता है तो जो इनर लाइनिंग्स होती है ब्लीडर की वो डैमेज होती है वहाँ से ब्लड रिलीज होता है और वो ब्लड आपके यूरिन के अंदर मिक्स हो जाता है जिसके कारण आपका जो यूरिन का कलर है वो चेंज होता है और वो हो जाता है क्लाउडी और ब्लडी यूरिन आता है या फिर साथ में आपको बेली पेन भी देखने को मिलता है तो ये है सिस्टाइटिस की जो ब्लेडर रिलेटेड स्पेशली इन्फ्लामेशन है सेकंड हम देखें तो पाएलोनेफ्रेटिस कि जिसको हम कहते हैं किडनी के जो हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कि जो नेफ्रॉन जो हम कहते हैं उसका इन्फ्लामेशन एलोन, पाएल पाएलो नेफ्राइटिस पाएलो नेफ्राइटिस की जो एक टाइप का किडनी का इन्फेक्शन हम कहे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और उसके मेन ये जो आप देखते हैं तो यहाँ पे स्कैरिंग होता है फॉर्मेशन होता है एज वेल एज़ एट्रोपी ऑफ कॉर्टेक्स कि नेफ्रॉन के रीजन और नेफ्रॉन के बाहर के जो आसपास के रीजन की जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं तो वहाँ पे भी उसकी एट्रोपी होती है स्कैरिंग होते हैं कि जैसे स्कैर फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी होता है तो पाईलो नेफ्राइटिस इज ए वाइड इज ए सॉरी इज ए टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वेयर वन और बॉर्थ किडनीस बिकम इन्फेक्टेड तो पहले जैसे हमने देखा कि ये वाली ये से होके इन्फेक्शन ये वाली किडनी में पहुंचता है सेम लाइक दैट दूसरे साइड की किडनी में भी वो इन्फेक्शन पहुंच सकता है जिसके कारण पहले शायद वन और उसके बाद दोनों किडनीज जो है वो इन्फेक्टेड होती है तो ये है पाई एलो नेफ्राइटिस तो उसके अंदर दिस कैन कोज द फीवर इसके कारण आपको फीवर होता है चिल्स नोजिया वामिटिंग एंड पेन इन योर अपर बैक और साइड और उसकी जो हम सिम्टम्स देखें तो पस फॉर्मेशन होता है स्कैरिंग होता है इन्फ्लैमेशन होता है ऑफ किडनी एंड नेफरस तीसरा टाइप देखें यूरिरी ट्रैक इन्फेक्शन में तो ये है यूरेथ्राइटिस कि जिसको जिसके अंदर अफेक्ट होता है यूरेथ्रा एन इन्फ्लेम्ड यूरेथ्रा कैन कोस पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन कि यहाँ पे अफेक्ट होता है आपका यूरेथ्रा और उसका होता है इन्फ्लेमेशन तो ये ब्लेडर और ब्लेडर में से जो यूरिन को हमारी बॉडी में से बाहर ले जाने वाली जो पूरी ट्यूब है वो हम कहते हैं यूरेथ्रा तो यूरेथ्राइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा देट्स द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लेडर टू आउटसाइड द बॉडी कि जो हमारी ट्यूब है बॉडी के अंदर कि वो ट्यूब कैरी करती है यूरिन को और उसको ब्लेडर में से आगे हमारे आउटसाइड द बॉडी उसको ले जाती है तो समझो कि ये पाइप जो है पूरी या फिर ट्यूब हम कहें वही समझो कि उसका इन्फ्लेमेशन होता है उसका होता है इन्फ्लेमेशन तो यूरिनेशन जो है वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है आपके लिए दिस कोज अ डिस्चार्ज एंड बर्निंग वेन यू गो फॉर यूरिनेशन कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन के कारण ऑब्वियसली वहाँ का जो म्यूकस होगा जो मेम्ब्रेन्स हो गए यूरेथ्रा के वो डैमेज हुई होगी और उसके सेल डैमेज होंगे और जिसके कारण जब यूरिन आएगा तो यूरिन हमें पता है कि स्लाइटली एसिडिक होता है और जब एसिडिक यूरिन यहाँ से पास होगा तो आपको जो है वो उस वक्त पेनफुल होगा और उसके कारण बर्निंग जैसे भी आपको फील होगा व्हेन यू गो फॉर द यूरिनेशन तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है तीनों टाइप्स अब डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस यूरिन सैंपल को कलेक्ट करके हो सकता है कि यूरिन सैंपल कलेक्ट करके यूरिन टेस्ट हम करें तो उससे हो जाता है फिर यूरिनरी ट्रैक के बैक्टीरिया जो होते हैं उसको लैब में डेवलप करके उसकी कॉलोनीज डेवलप करके चेक किया जाता है उसको फिर क्रिएटिंग ए इमेज ऑफ योर यूरिनरी ट्रैक यूरिनरी ट्रैक के जो इमेज इसकी जो सिस्टोस्कोपी जो हम कहते हैं कि जो सिस्टोस्कोप जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू एंटर करके अंदर जो उसके इमेजेस चेक किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म किया जाता है कई बार कि जो हम कहते हैं सोनोग्राफी सिटी स्कैन कि जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्यूटराइज टोमोग्राफी एम आर आई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फिर यूजिंग ए स्कोप टू सी इनसाइड द ब्लैडर कि जिसको हम कहते हैं मेल और फीमेल सिस्टोस्कोप को यूज करके उसकी सिस्टोस्कोपी जो है वो की जाती है ट्रीटमेंट में हम जानेंगे सबसे पहले uh, होम रेमेडीज़ के बारे में कि होम रेमेडीज़ क्या है घर पे आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं तो एक है नीचे से चालू करते हैं जिंजर ट्री फिर पाइन है एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर योगट खाइए कुकुम्बर फिर इंडियन गोसबेरी की जिसको हम कहते हैं आमला सिन्नामन आप ले सकते हैं एज़ वेल एज सिनामन वाटर फिर बेकिंग सोडा है गार्लिक है कोरिएंडर का पाउडर एंड हॉट कॉम्प्रेस तो ये सब होम रेमेडीज रहती है यूरिनरी ट्रैक को क्योर करने की बट समझो कि आपका यूरिनरी ट्रैक माइनर नहीं है काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड कंडीशन है एज वेल एज उसके कारण आपको काफ़ी यूरिनरी पेन हो रहा है तो आप ये सब तो होम रेमेडीज कर रहे हैं बट साथ में जरूरी है प्रॉपर मेडिकेशन से उसको ट्रीट करना तो उसके अंदर पॉपुलर मेडिकेशन हम कहें तो ये ट्राई कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टी एंड उसके साथ कॉम्बिनेसन में सल्फा मिथोक्जाजॉल ट्राई मिथोप्रीम एंड सल्फ़ा मिथोक्जाजल दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फा मिथोक्जाज एंड ट्राई मिथोप्रेम टैबलेट्स एस पर यूएसपी तो उसमें सल्फा मिथोक्साजोल का जो प्रपोसन होता है वो फाइव होता है और ट्राईमिथोप्रेम का जो प्रपोसन होता है वो होता है वन तो समझो कि आपने इस टाइप के हैं कि ए टी जितना है आपका सल्फामिथोग तो ये उसका प्रपोजन हुआ पाँच गुना तो ट्राई है वन सिक्सटी ट्राई तो ये वन तो वन इंटू फाइव करेंगे तो सिक्सटीन इंटू फाइव करो आप तो उसका आंसर आएगा एट हंड्रेड तो उसका जो प्रपोजन होता है कि सल्फा मिथोगजल की जो पाँच गुना होता है और ट्राई मिथोप्रिन वन तो वन जेम फाइव प्रपोसन में ये कॉम्बिनेशन बनता है इवन इस तरह से भी होता है कि समझो कि सल्फा मिथोक्ज फोर्टी है तो उससे पांच गुना टू हंड्रेड एम जी रहेगा सल्फा मिथोक्सोल तो ये एस और ये ट्राई मिथोप्रेम तो वन जेम फाइव प्रपोजन में ऑलवेज ये यूज होते हैं तो ये आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है नेक्स्ट है फॉस्फोमाइसिन फॉस्फोमाइसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके बाद नॉर्फ्लॉक्स की जो नॉर्थ फ्लॉक्सासिन क्लास की ड्रग है या फिर हम देख सकते हैं नॉर्थ 400 फॉर हंड्रेड एम जी विथ लेक्टिक एसिड बेसिलस इन कॉम्बिनेशन सिप्रोफ्लॉक्सासन है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सेफालैक्सिन एंड सेप्ट्री तो ये सब पॉपुलर मेडिकेशन से कि जो यूज होती है टू तो ट्रीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अदर देखिए हम ड्रग्स की यूरिनरी एनालैसिक्स की जिसके अंदर पॉपुलर है फिनाजो पायरिडिन फिनाजो पायरिडिन यहाँ पे देख सकते हैं यूरिनरी पेन रिलीफ फिनाजो पायरिडिन एच सी एल कि फाइव एम जी यहाँ पे लिखे कि माइनर पेन बर्निंग एंड अर्जेंसी उसको क्योर करता है तो ये एनालिस्टिक के तौर पे काम करता है एनालजिटिक की जो हम बात करते हैं पेन किलर्स कि जब आगे वाली जो मेडिसिन हमने देखे एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स से जब आपकी ट्रीटमेंट चालू हो और उस वक्त आपके जो पेन के सेंसेशंस कम करने के लिए ये यूरिनरी एनालिस्टिक्स यूज़ करते हैं हम एज वेल एज़ उसके कॉम्बिनेशन के साथ एंटीसेप्टिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स इन कॉम्बिनेसन विथ यूरिनरी एनालैसिक जैसे कि मैथेनामाइन एंड मिथिलिन ब्ल्यू जैसे कॉम्बिनेसन में हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं फिर यूरिन एसिडिफाइंग एजेंट की जो है सोडियम फॉस्फेट वो भी हम यूज़ करते हैं एंड एंटी स्पाजमोडिक एजेंट की जैसे कि हाइस्काइमिन तो ये सब मेडिकेशंस हम प्रीफर करते हैं टू ट्रीट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस फिर समझो कि अभी जो हमने सीखा था कि पाइलो नेफ्राइटिस है तो पाइलो नेफ्राइटिस के अंदर स्पेशली प्रिस्क्राइब की जाती है सिप्रोफ्रॉक्सिन की ओरल फाइव हंड्रेड एम जी ट्वाइस डेली फॉर सेवन डेज के लिए विथ और विदाउट एन इनिशियल आई वी फॉर हंड्रेड एम जी डोज की इनिशियली फाइव फोर हंड्रेड एम जी आपका डोज रहेगा इंट्रावेनस और उसके बाद फाइव हंड्रेड एम जी टू टाइम्स दे सीप्रोफ्लाग्जस की जो टैबलेट्स फाइव हंड्रेड एम जी आप देख सकते हैं वो और ओरल टी एम पी और सल्फा मिथोगजाजोल की सल्फा मिथोगजाज एंड ट्राई मिथोप्रेम वन डबल स्टेंड टैबलेट ट्वाइस फॉर फोर्टीन डेज विथ एन इनिशियल वन ग्राम डोज ऑफ सेफ्ट्री इफ सक्सेप्टेबिलिटी इज अनॉन तो ये दो ऑप्शन है आपके पास एक तो ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिन औरल टीएमपी एंड एस एम एक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर हंड्रेड एम जी समझो कि सल्फा था तो उससे कम अमाउंट में कि एटी एम जी तो फाइव जेम एम वन प्रपोजन हो गया कि फाइव जितना स्ट्रेंथ सल्फामिथोक्सोल तो वन जितनी स्ट्रेंथ रहेगी ट्राइमिथोप्रिम की तो 18 इंटू फाइव तो हो ही जाएगा आपका 400 तो ये सभी आर एक्स रहेगी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही ये अवेलेबल होती है फिर यूटीआई इन प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी के दौरान समझो कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो उस वक्त एम्पीसिलिन सेफालस्पोरिन एंड नाइट्रोफ्यूरटाइन वगैरह को सेफ कंसीडर किया जाता है कि आप ये देख सकते हैं एम्पी के कैप्सुल्स और ये है नाइट्रोफ्यूरोन के सस्टेन रिलीज टैबलेट तो ये दोनों इफेक्टिव है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूजली समझो कि मैन के अंदर होता है कि जो पुरुषों के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो सेवन टू फोर्टीन डेज कोर्स सात दिन से लेकर चौदह दिन का कोर्स रहेगा फ्लोरोनोलॉन्स और यहाँ पे और में है और टीएम पी एस एम एक्स इज रिकमेंडेड कि अगर इससे क्योर हो जाता है तो फ्लोरोक्नोलॉन्स लेने की जरूरत नहीं या फिर आप फ्लोरोक्नोलॉन्स पहले देते हैं और उससे ठीक हो जाता है तो टी एम पी और एस एम एक्स लेने की जरूरत नहीं है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस ऑफन ट्वेल्व वीक कोर्स ऑफ ए ट्रीटमेंट अगर एक्यूट हुआ तो सात से चौदह दिन बट समझिए कि क्रॉनिक है तो बारह वीक जितना भी ये कोर्स ड्यूरेशन चल सकता है फिर कैंडी कि जिसके अंदर स्पेशली फंगस uh, के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ है कि जो कैंडिडा के जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं फंगई के तो उसके कारण कैंडी डूरिया होता है कैन बी डिफाइन एज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर दैन वन ज़ीरो फाइव फंगल सी एफ यू पर एम एल सी एफ़ यू मतलब कि उसका फुल फॉर्म होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स कि जब आप ये यूरिन सैंपल लेते हैं और आपको वो यूरिन सैंपल के अंदर वन ज़ीरो फाइव फंगल सी एफ यू मिलते हैं पर एम एल तो वो कन्फर्म करता है कैंडिडोरिया कि जब आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है और उसके जो कॉलोनीस डेवलप की जाती है लैब के अंदर तो सी एफ यू आपको मिलते हैं वन जीरो फाइव तो ये आपके लिए एम सी क्यू का भी पिन पॉइंट बन सकता है तो खास अच्छे से याद रखिए थ्रू एज लिटल एज वन ज़ीरो थ्री सी एफ यू पर एमएल कैन रिजल्ट इन डिसीज इन सर्टेन एट रिस्क ग्रुप अगर एक सौ तीन भी होगा तो भी वो आपके लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है कैंडीडूरिया का लिए तो उसकी जो ट्रीटमेंट है तो ओरल फ्लूकोनाजल 200 या 400 हंड्रेड की स्ट्रेंथ वाली पर डे फॉर 14 डेज और ओरल फ्लूसाइटोसिन एंड और एंड पेरेंट्रल एम्फोटेरिसिन बी अगर एम्फोटेरिसिन बी चूज़ करते हैं तो वो पेरेंट्रली और फ्लूसाइटोसिन आप चूज करते हैं तो वो ओरली टैबलेट आप प्रिफर करवा सकते हैं कैंडीडूरिया के अंदर फिर समझो कि ये यूरिन uh, कलेक्शन करने के लिए जब आपको कोई सर्जरी हुई है तो ये कैथरटर लगाया जाता है तो ये कैथेटर के कारण भी लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन होता है कि कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई जिसको कहा जाता है तो ये जो कैथरटर आप देख रहे हैं ये कैथेटर भी कर सकता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्सन यहाँ पे ये यूरिन को कलेक्ट करने के लिए जो कैथरटर जो लगाया जाता है और ये कैथेटर की जो पाइप होती है उसके कारण भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है तो सेवन टू फोर्टीन डेज ऑफ एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द कल्चर रिपोर्ट कि कौन से टाइप के टाइप के कारण हुआ है तो उसके बेसिस पे जो आगे हमने एंटीबायोटिक्स देखे वो दे सकते हैं पेशेंट को और दूसरा एक ऑप्शन रहता है कि ये कैथरेटर को आप चेंज करवा दीजिए या फिर उसको रिमूवल करके प्रॉपर मेडिकेशन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए सो एवॉइडेंस इज बेटर देन क्योर तो ये खास इम्पोर्टेंट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट की तो प्रिवेंसन के अंदर हम देखें तो प्रॉपर आप हाइजेनिक कंडिसिटी मेंटेन करते हैं एज वेल एज आप प्रॉपर सैनिटेशन uh, रखते हैं तो उससे आप ये टाइप की जो डिसीजेज है कि जो स्पेशली बैक्टीरियाज के कारण होती है फंगस के कारण होती है तो इससे आप बच सकते हैं और अगर आपको यूटीआई भी है तो तुरंत उसकी सारवर करवानी चाहिए और उसके दौरान जो हमने बात की होम रेमिडीज़ और उसमें भी सबसे सिंपल तरीका कि आप वाटर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करिए यूज़ द प्लान्टी ऑफ वाटर तो जिससे आपका ये डिसीज़ भी कम होगा और समझो कि आप अपनी खुद हैबिट बनाते हैं वाटर ज़्यादा लेने की एज वेल एज़ प्रॉपर आप हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते तो इससे आप बच सकते हैं सो थैंक फॉर वॉचिंग जरूर वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए वैल्यूएबल एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये वाले व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ यूज़ करिए फार्मा रॉक्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट